हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारी भगवान से कामना है कि सद्बुद्धि दे सरकार को। देश का भगवान आज दुखी है, सड़कों पर है। हमारा धर्म है, हम उसके साथ खड़े हों। किसानों की मांग जायज है, काले कानून को वापस ले सरकार। गन्ने का रेट किसान नहीं तय कर सकता, बकाये भुगतान के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। धान 1846 रुपया आप MSP तय करेंगे और बेचने जाएगा तो 1100 रुपए। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बताइए ना, किसानों के साथ धोखा क्यों? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हवन अभी आपने यूपी गेट पर किया, उसका पर्पस क्या है, क्या सिंबॉलिक है वो? भाई देखिए, किसान यूनियन के नेतृत्व में हवन चल रहा था। हमारी भगवान से कामना है कि सद्बुद्धि दे सरकार को। किसानों की मांग जायज है, काले कानून को वापस ले सरकार। इसी उद्देश्य के साथ हमने हवन में आहुति की। जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप कांग्रेस जो है वो किसानों को कहीं ना कहीं उत्तेजित कर रही है, किसानों को कहीं ना कहीं भड़का रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी जब आप आए हैं तो कई सारे किसान आपके साथ जुड़ गए हैं, तो किस तरह से इन आर्ग्यूमेंट्स को आप डील कर? देखिए, सरकार कोई भी आरोप लगाए, कितने भी गंभीर आरोप लगाए, देश का अन्नदाता, देश का भगवान आज दुखी है, सड़कों पर है। हमारा धर्म है, हम उसके साथ खड़े हों। ये काला कानून है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले दिन से विरोध किया, ट्रैक्टर रैली निकाली पंजाब में, हरियाणा में, तमाम प्रदेशों में। सड़कों पर आंदोलन हुआ, मुजफ्फरनगर में मैं खुद आंदोलन किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे, सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता संसद में भी इसका विरोध किए। अगर आज किसान दुखी है, सड़कों पर है, जिसने सरकार बनाई है, तो सरकार को तो चाहिए उससे बात करके समाधान निकाले। सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? नहीं, सरकार तो बार बार वार्ता कर रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आज जो अहम वार्ता होने जा रही है, उसमें आपको लगता है कि आज कोई ना कोई ऐसा निष्कर्ष जरूर निकल जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार को जिद छोड़ना चाहिए। क्यों MSP को समाप्त करना चाहती है? क्यों जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहती है? किसान आलू 2 रुपए पैदा करेगा तो 2 रुपए किलो दाम लगेगा, और जब खाने के लिए मार्केट में जाएगा तो 60 रुपए किलो। धान 1846 रुपया आप MSP तय करेंगे और बेचने जाएगा तो 1100 रुपए। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? गन्ने का रेट किसान नहीं तय कर सकता, बकाये भुगतान के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। योगी जी लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। भैया योगी जी बताइए ना, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बताइए ना, किसानों के साथ धोखा क्यों? देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना, जो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से MSP को लेकर लगातार विवाद चल रहा है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि आज होने वाली वार्ता में जो भी सामने आता है उसमें सबसे पहले हल जो है वो किसानों के लिए निकलना चाहिए। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ अजातिका सिंह, ABP News दिल्ली। ABP News आपको रखे आगे।